काशी के रामनगर। ये गंगा घाट जाने का रास्ता यही है, देख सकते हैं कुछ ऐसा यहाँ का व्यू। और मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और मेरे यह देख सकते हैं अंदर भी दो तोपे यहाँ पे रखे। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड अभी मैं आ चुका हूँ काशी के रामनगर में, और रामनगर में ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रामनगर का किला है। और मैं इसके अंदर चलता हूँ और आपको यहाँ के पूरे डिटेल्स देने की कोशिश करता हूँ, तो आप वीडियो के साथ बने रहें और देखते हैं कि अंदर कैमरा अलाउ रहता है कि नहीं रहता। और देख सकते हैं ये बाहर का कुछ ऐसा गेट है, और यहाँ पे उसके सामने जस्ट आप गेट के सामने देख सकते हैं दो तोपें रखी हुई हैं। उस टाइम के जो राजा थे काशी नरेश जी, उन्होंने ये किला का निर्माण कराया था। तो ये गेट है सामने का, मैं देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कुछ ऐसा यहाँ का व्यू है। और यहाँ पे पुलिस की भी गाड़ी वैन यहाँ पे खड़ी है, और ये टिकट काउंटर है, देखते हैं कि टिकट कितने का मिलता है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसा भी है, मेन गेट है अंदर का। और दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि जब मैं टिकट लिया हूँ उसके जस्ट बगल में ही ये म्यूज़ियम था, और मैं जस्ट उसके अंदर म्यूज़ियम में आ गया तो वहाँ पे जो वहाँ के गार्ड थे उन्होंने मना किया वीडियो बनाने से और फोटो पिक्चर लेने से। तो उसके वजह से मैं एक खुफिया कैमरा की वजह से इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लिया अंदर का। आप कोई भी ब्लॉगर के या मतलब वीडियो पे आज देखेंगे यूट्यूब पे तो ये अंदर का म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम का कोई भी पार्ट आपको दिखाया नहीं जाएगा, वो मेरे वीडियो में ही आपको बस इसमें देखने को मिल जाएगा। और अब ये देख सकते हैं पीछे पीछे कि अभी आप उस ज़माने के रथ और उस टाइम के 1750 ईस्वी के गाड़ियाँ भी आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए काशी के नरेश उत्तम की यहाँ फैमिली की, उनकी पूरी फैमिली की यहाँ पे साड़ी उड़ी उस टाइम की रखी हुई हैं। ये आप बनारसी साड़ी देख सकते हैं, और यहाँ सामने आपको भाला भी देख सकते हैं। और ये सामने आप जब उस टाइम जमाने में हाथी और घोड़े उड़े जाते थे तो तख्त सामने ले जाते थे, मतलब अपने निशान लेके जाते थे, तो उस टाइम की यहाँ पे म्यूजियम में रखा हुआ है तख्ता। और ये साड़ी यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं उनकी फैमिली की। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो मैं खुफिया कैमरा से रिकॉर्ड कर पाया हूँ, अगर कोई भी अपने से सामने से फ़ोन या और भी कैमरे से मैं रिकॉर्ड करता तो शायद मुझे पेनल्टी भरना पड़ता इसमें। और ये देख सकते हैं आप, म्यूज़ियम में कैमरा अलाउ नहीं था तो शायद इसका वीडियो कुछ क्लियर नहीं आया। और एक डिटेल्स आपको देनी थी कि जब मैं टिकट कटाया हूँ ये टिकट मुझे 80 रुपये पड़ा है, और उसके अंदर म्यूज़ियम है। मैं जस्ट मैं म्यूज़ियम में आया हूँ तो यहाँ के गार्ड थे वो बोले हैं कि यहाँ पे टिकट, अरे सॉरी, अगर आप फोटो बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना पड़ जाएगा, जितना मुर्गा नहीं उतना जब अकड़ा यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो इसके वजह से मैं कैमरा बंद किया हूँ, और एक खुफिया कैमरे की वजह से अंदर थोड़ा सा म्यूज़ियम का कुछ बना लिया हूँ तो उसको आप देख सकते हैं। और ये कुछ यहाँ का बाहर का ये कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और चलते हैं कुछ थोड़ा सा और आगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे झरना टाइप का है ये कुछ। अभी तो इसमें पानी नहीं है इसमें, लेकिन जब ये चलेगा तो और खूबसूरत लगेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा बाहर का यहाँ पे किला है, यहाँ पे आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है। और यहाँ का टिकट जितना महंगा है उस हिसाब से तो बहुत यहाँ पे घटिया पोजीशन है यहाँ पे। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये किला करीब 1742 ईस्वी में इस किले को किला का निर्माण कराया गया था, जो कि उस टाइम के शासक जो थे काशी नरेश जी, उन्होंने इस किला का बनवाया था। तो और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक खुफिया और इस किले में एक खुफिया रास्ता है जो कि डायरेक्ट यहाँ से गंगा नदी में जाता है। और उस टाइम की जो महारानियाँ रहती थी उस गंगा नदी में उसी रास्ते से होके खुफिया रास्ते से होके गंगा नदी में जाती थी और स्नान करती थी। और मैं वो खुफिया रास्ता के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो बने रहें वीडियो के साथ। और जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो अभी म्यूज़ियम की थोड़ा सा एक कुछ छड़ बची है उसके अंदर मैं चलता हूँ। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। और आप ये देख सकते हैं उस टाइम की राजा महाराजाओं की ये पिस्टल छोटी छोटी दीवार पर म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। और यहाँ पे बड़ी बड़ी गन भी रखी हुई हैं, शॉर्ट गन भी है और भाला तलवार और सुरक्षा कवर में जो भी यूज़ करने वाला सामान था वो हर चीज़ इस म्यूज़ियम में यहाँ पे रखे हुई है। राजा नरेश उत्तम की यहाँ पे पूरी सेना की उनकी यहाँ पे कपड़े वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे रखी हुई है और आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस भी बहुत चीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिल, ये सब में आप देख सकते हैं ऊपर की इसमें तलवार भी यहाँ पे म्यूज़ियम में अंदर रखा हुआ है। और ये आदमी जो बैठा हुआ है मुझे बार बार चेक कर रहा था कि मैं कैमरा लिया हूँ कि नहीं लिया हूँ, तो मैं खुफिया कैमरा लिया हूँ और उसको पता नहीं चल पाया कि मैं कैमरा लिया हूँ कि नहीं लिया हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में थोड़ा सा आपको कुछ क्लियर नहीं दिख पाया इस म्यूज़ियम का अंदर का व्यू, फिर भी आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। और ये साइड में आपको लेफ्ट साइड देख सकते हैं कि जो राजा महाराजा थे उस टाइम का उनका ये पोशाक था, जब वो अपना जंग में जाते थे तो यही पोशाक लेके पहन के जाते थे, जिससे तलवार नहीं लगता था और भाला भी नहीं लगता था इनके बॉडी पे, उससे जख्म भी नहीं होता, तो सेफ्टी रहता था। सेफ्टी कवर के एवज में उसको बनाया जाता, बहुत ही भारी वो करीब 10 किलो के ऊपर का वो पोशाक रहता था जिससे तलवार और भालाएँ उस पर काम नहीं करती थी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे नरेश उत्तम जी की यहाँ पे तलवार इसमें लगी हुई है सामने। और आप ये देख सकते हैं हाथी का ये दांत है और उनका सोफा वगैरह इसमें रखा हुआ है इसमें। और ये आप सामने देख सकते हैं धूप से चलने वाली घड़ी है जो कि करीब 10 फीट की है। और ये सामने आप देख सकते हैं अलमारी में छोटी छोटी घड़ी भी यहाँ पे रखी हुई है, लकड़ी और पीटर उटर की ये घड़ी यहाँ पे रखी हुई है। और म्यूज़ियम में ये सब रखी हुई है और कैमरा से इसको रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, लेकिन मैं बस खुफिया कैमरा आपके आप लोग को दिखाने के लिए मैं खुफिया कैमरा से ये मैं रिकॉर्ड करना पड़ा है मुझे, रिस्क लेके, बहुत ही रिस्क लेके मैं रिकॉर्ड किया हूँ इसको, आप इसको देख सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा था ये खुफिया रास्ता है, ये गंगा घाट जाने का रास्ता यही है। और कहाँ लिखा है? ऊपर लिखा है ना, इसमें नहीं लिखा है, इसमें हो गया ख़त्म। तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि खुफिया रास्ता कौन सा है। ये रास्ते से होते हुए जो उस टाइम की महारानियाँ रहती थी वो ये रास्ता को पकड़ के ही जाती थी स्नान करने। तो ये रास्ता आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए कुछ ऐसा रास्ता। और ये गेट बंद है अभी, दिखाते हैं थोड़ा सा ऊपर आपको, बने रहे वीडियो के साथ। और जितने भी लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये देख सकते हैं यहाँ का कुछ ऐसा व्यू बाहर का। और ये आप देख सकते हैं जस्ट नीचे गंगा नदी का पानी अभी नीचे है। और ये जो रास्ता दिखा रहे थे वो ये रास्ता है, इसी के रास्ते होते हुए जो उस टाइम की महारानियाँ थी वो जाती थी गंगा में स्नान करने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ खूबसूरत व्यू ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं कुछ ऐसा यहाँ का व्यू, इसी रास्ते से होते हुए महारानी जाती थी नीचे स्नान करने। और ये देख सकते सामने आप ब्रिज, और जो लोग बताते हैं कि व्लॉगिंग करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं बता दूं आपको कि घर से मैं 7 बजे का निकला हूं और 2 रोटी खा के अभी तक मैं आया हूं। और सुबह से कितनी जगह पे मैं गया हूं और
भूख बहुत तेज लग रहा है और मैं कोई होटल देखता हूँ, फिर रुकता हूँ, फिर कुछ खाता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग बताते हैं कि आसान रहता ब्लॉगिंग करना, भाई सुबह से लेके अभी तक 2 रोटी खाया हूँ, पानी पी के चल रहा हूँ, हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है और मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस अब बाहर चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको वहाँ का व्यू। ये रास्ता है जो कि बाहर जाएगी, ये रास्ता से अभी हम अंदर आए थे और ये गेट बंद रहता है, पता नहीं क्या है इसके अंदर, नहीं बता सकते हैं। पानी वानी बढ़ती है तो यहाँ पे आ जाती है ओवरफ्लो होके, और यही रास्ता है जो कि रानिया उस टाइम की थी, वो जाती थी इस टाइम इससे स्नान करने। रामनगर के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि और देख सकते हैं। बहुत अच्छी हवा आ रही है इधर से। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और देख सकते हैं कुछ अंदर का किले का अंदर का कुछ ऐसा व्यू है, और बिल्डिंगें ऐसी बनाई गई हैं उस टाइम में भी, कोई टाइम में ऐसा बिल्डिंग शायद ही बन पाए। और यहाँ पे देखिए सामने जो ये मेन गेट है इस पर अच्छे से नक्काशियाँ की गई हैं। उस टाइम के जो मजदूर थे, मिस्त्री थे, वो लोग बहुत मेहनत करते थे, बहुत अच्छे थे, एजुकेटेड भी थे और उनके हाथ में जो काम करने की सहन शक्ति थी बहुत ज़्यादा। आज के डेट में तो बहुत मशीनें ऐसी आ गई हैं जो मुश्किल है आज के डेट में बनाना ऐसे कुछ ऐसा। ये गेट आप देख सकते हैं बाहर जाने का, और मैं चलता हूँ बाहर और भी कुछ दिखाता हूँ जो इसमें होगा। और देखिए आप यह देख सकते हैं अंदर भी 2 तोपें यहाँ पे रखी हुई हैं, और बाहर जो तोप थी उसको आपने देखा है, जस्ट उसके अंदर भी 2 तोपें यहाँ पे किले के अंदर रखा हुआ है। और ये देखिए ये भी गेट है जो कि रिपेयरिंग का काम इसको फिर से कराया जा रहा है। कुछ ऐसा व्यू आप भी देख सकते हैं। और अब चलता हूँ और वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसा वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। और मैं बता दूँ आपको कि ये किला रामनगर जो कि काशी में पड़ रहा है, काशी के ही नाम रामनगर के नाम से ही इस किले का निर्माण इसको कराए गए थे। 1742 ईस्वी में इस किले का निर्माण हुई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ बढ़ने लगी है, इसका रिपेयरिंग होना चाहिए। जिस हिसाब से टिकट का दाम महंगा है उस हिसाब से टिकट के तरह इसको काम नहीं किया गया। इसमें यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है वो यहाँ पे थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम थोड़ा सा तेज़ी करा दें, क्योंकि रिपेयरिंग तो पुरानी बिल्डिंग है, बहुत जर्जर हालत में है, तो उनको बचाने के लिए आप जितने पैसे ले रहे हैं उसके अगर डबल भी लें फिर भी आप इसको रिपेयरिंग का काम फिर से करवाएं। और ये ब्लॉग मैं यहीं प्रिंट करता हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, और जितने भी लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं, वाहिद केएस ब्लॉग के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, और फेसबुक आईडी सेम है वाहिद केएस ब्लॉग। और इंस्टा पे भी यूट्यूब पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वाहिद केएस ब्लॉग के नाम से, मेरे नाम की आईडी है, और वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पिन करता हूँ, तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।